व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं इस वीडियो में बस कुछ खास नहीं करने वाला, बस मैं बताने वाला हूँ कि क्यों मैं हेवन गेम से बैन हो गया था। तो यार लेट्स गो। तो शुरू हुआ जब मैं अपने दोस्तों के साथ आज बेड वॉर्स की वीडियो बना रहा था, और तब एक दोस्त ने बोला कि मतलब हेवन गेम्स पे पीवीपी करने चलते हैं। तो मैं चला गया और तभी एक और बच्चा आ गया, तो हम उसके साथ भी पीवीपी करने लग गए। तो उसी के बीच में अचानक से पीवीपी करते करते मुझे सर्वर से बैन मिल गया, और मुझको समझ नहीं आया क्यों। तो मैं अभी वो फुटेज दिखा देता हूँ। भाई अबे एचपी माधव, तू भी मर गया क्या? सीधा कैच पे कम क्यों हो रही? हाय पिक्सल, अब नहीं मैं मरा नहीं, मैंने मारा इसे। तो यहाँ पे ये देख के मैं अचानक से डर गया, क्योंकि फालतू में मतलब गेम चलते चलते बीच में जैसे ही मैंने उसको मारा मुझको बैन मिल गया। तो मुझको समझ नहीं आ रहा था मतलब ये हुआ क्यों, क्योंकि कुछ रीज़न ही नहीं था उसका। तो मतलब मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, मुझे डर भी लग रहा था मतलब कि मैंने ऐसा क्या किया, मुझे बैन दे दिया, मेरा यूट्यूबर रैंक घट जाएगा, सब कुछ मतलब अब हेवन गेम्स पे तो मेरा सब कुछ ख़राब हो जाएगा, और जितने मेरे दोस्त हैं सबको लगेगा कि मैं हैकर हूँ। तो मुझको सही में उस समय बहुत मतलब अजीब सा लगने लग गया था। तो आगे ये हुआ, मैं माधव आया क्यों नहीं? माधव एक सेकंड भाई ये कैसे? भाई एक सेकंड रुक, मैं अर्चित को डीएम करता हूँ। अभी मुझे बैन कर दिया इन लोगों ने। भाई नाइस, भाई हैक लिखा रहे, अनफेयर एडवांटेज। मैंने क्या एडवांटेज लिया? रुको, क्यों कर रहा है यार दो दिन से? भाई मैं वाह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता है? अबे मैं उनसे कह रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ उसने रिकॉर्ड करा है, ल्यूनर क्लाइंट पे खेल रहा था वो। हाँ भाई कुछ हुआ ही नहीं, मैं फालतू में रुक जा मैं एडवेंचर हो, सब भाई फालतू में कर रहे थे। देखो रॉली देख, ये मैं एचडी नेटवर्क के उसमें गया, वो क्या कह रहे हैं? रिप्लाई क्या आया उसका? भाई मेरी स्क्रीन देख ले भाई, पता नहीं हील हेल्थ के बारे में कुछ कह रहा है। दिखा 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 चैट को, जूम इन करता हूँ। रुक अलग विंडो में पॉप आउट कर लेता हूँ ना स्ट्रीम को। हाँ तो इसके बाद मैं मतलब काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि मैंने करा क्या है कि मैं बैन हो गया। तो मैंने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के अनाउंसमेंट सेक्शन में हेवन गेम्स के डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डाला, तो वहाँ पे मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के मेंबर्स ने जाके मतलब जनरल चैट में थोड़ा बहुत लिखा, एक बंदे ने तो स्पैम भी करा था तो उसको उसके लिए किक कर दिया। लेकिन हाँ, तो उसके बाद उनके डिस्कॉर्ड सर्वर के मतलब दो तीन लोग और शायद एडमिन भी आया था मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर, मतलब उसके बाद मैंने स्क्रीन शेयर करा, उनको सब कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाई और ये सब दिखाया, उसके बाद ये वो। अबे स्पैम मत कर, टाइम आउट दे देंगे, म्यूट कर देंगे वो। He have thing is have anti cheat कर दिया। मैंने बोला ही ले, भाई मैं कोई चीज बोलनी थी वो चला गया। हाँ बोलना। अरे मैं को डिस्कॉर्ड से अनबैन कर दूँ, ये बोलना ये मेरा। मैंने एसएस ले लिया, मैंने एसएस ले लिया। वेलकम आफ्टर द डिविनिटी विल बी अराइव राइट बान अपील डू क्लोज द टिकट। अपलोड करके मैं तुम्हें वेबसाइट की लिंक भेज रहा हूँ, माधव को भेजूंगा, मैं डेविल को भेज रहा हूँ। अबे ये नहीं है, दूसरी वाली है, दूसरी वाली। अच्छा दोनों पे आ गया। हाँ माधव है बैंड फ्रॉम द सर्वर।
तो भाई इस मैसेज के बाद मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब गुस्सा आने लग गया था कि कोई इंसान कितना ज़्यादा अजीब हो सकता है। मतलब तुम्हें पूरा प्रूफ प्रोवाइड कर दिया, तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हैक नहीं करा। देखो इस बंदे ने बाद में जब मेरा स्क्रीन शेयर करा के चेक करा ना मेरा पूरा पीसी, तब ये मेरे पीसी में स्क्रीन शेयर हैक्स ढूंढ रहा था। और भाई मतलब तुमने मुझे एक फाइट को देख के बैन करा होगा ना, तूने उस फाइट में नहीं देखा मेरा 7 CPS आ रहा था। तो भाई 7 CPS कैसे कोई हैक कर सकता है, मतलब 7 CPS पे कोई हैकर कैसे हो सकता है। मेरे सामने वाले लोगों का 20 CPS आ रहा था और मैं 7 पे हैक करूँ, मतलब तो यहाँ पे मैं समझ गया था कि ये इनको ये तो लग नहीं रहा कि मैं हैकर हूँ, इन्होंने और कुछ ही रीज़न ढूंढना है। मतलब भाई इस बंदे को बैन करो, और मतलब कर दिया बस बैन बिना किसी वैलिड रीज़न। माधव से कॉन्टैक्ट कर लो दोस्तों। माधव कहाँ चला गया? हेलो माधव गया, वो रुक गया डिप्रेशन में चला गया। हेलो पेन बॉय भी आ गया। हेलो पेन बॉय कैसे है? बहुत पहले कहा हुआ था वो तो। माधव दोस्तों आज स्ट्रीम नहीं करेगा, वो डिप्रेशन में चला गया है। हां बहुत बढ़िया। नहीं बड़े मजाक करो। माधव डिप्रेशन से बाहर आ जाओ ठीक। हां क्या वो ये क्या है कर दिया क्या? हां क्या कह रहा है वो? कुछ नहीं मैं उसको फोटो भेज देता हूँ। क्या एक रिंग आ गया भाई? बीच में आया, बीच में आ गया वो। हाँ ब्रो और सुन बस यूट्यूब रैंक भी थी, देन प्लीज गिव हिम द यूट्यूब रैंक, चेक आउट द यूट्यूब सर्च। इसने लास्ट वीडियो एचजी पे गया था, ये स्ट्रीम कर रहा है बट इसने किसी में से एको हो रहा है। हाँ ओके सुनो, ये बंदे ने इसलिए स्ट्रीम तो करता है बट एचजी में इसने स्ट्रीम नहीं की है। मेंशन किया हुआ है हमने रिक्वायरमेंट्स में 1 महीने में 3 वीडियो या स्ट्रीम होनी चाहिए, वो भी एचजी में। भाई सुनो में क्या है, मैं तो अपनी हफ्ते की 3 दिखा दूंगा, मतलब 3 से ज्यादा स्ट्रीम हेवन गेम्स पे चलेगा। जब से हेवन गेम्स ज्वाइन करे मैं ऑलमोस्ट रोज ही उस पे खेलता हूँ। नहीं खेलने से नहीं होगा, स्ट्रीम भी करता हूँ। अभी दिखा दूं नहीं, अभी तो पहले फुल स्क्रीन स्ट्रीम करो, हमें कुछ चेक करना है। तो मतलब यहाँ पे बस इसने मेरे पीसी में मेरी माइनक्राफ्ट की फाइल्स चेक करवाई, कोई सॉफ्टवेयर डिलीट और डाउनलोड करवाया, मतलब यही बस चेक करने के लिए कि मेरे पास हैक्स हैं या नहीं। और यहाँ पे भी इसका पॉइंट गलत प्रूव हो गया। उसके बाद इसने बोला कि तुम हफ्ते, मतलब हमने रूल रखा हुआ है कि तुम्हें कम से कम 3 लाइव स्ट्रीम या वीडियो बनानी है हमारे सर्वर पे खेलते हुए। लेकिन मैं इनके सर्वर पे ऑलमोस्ट हर 2 या 3 दिन में स्ट्रीम करता हूँ, तो वो भी पॉइंट इनका गलत प्रूव हो गया। तो भाई मतलब तुम्हारे पास कोई पॉइंट है भी या तुम बस आके बकवास कर रहे हो? तो भाई वही बस, मतलब इनके पास कुछ वैलिड रीज़न था नहीं, उसके बाद अनबैन करना ही पड़ा। तो या बस ऐसे ही था, बस यही था इस वीडियो में। तो इनका कुछ मतलब पॉइंट था नहीं, तो इनका मतलब मेरे हिसाब से मेन पॉइंट इनका यही था कि जब तुम हाईपिक्सल पे स्ट्रीम करते हो तो तुम हाईपिक्सल को टाइटल में रखते हो, पूरी डेडिकेटेडली हाईपिक्सल को स्ट्रीम करते हो, लेकिन हेवन गेम्स को कभी टाइटल में नहीं रखते, थंबनेल में हेवन गेम्स नहीं लगाते। तो भाई हाँ भाई मतलब ऑब्वियसली मतलब हाईपिक्सल को मैं खेलता हूँ सीरियसली, हेवन गेम्स में मैं खेलता हूँ जब मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना होता है पीवीपी वगैरह। तो या मतलब यही मेरा पॉइंट था कि भाई इस बात के लिए तुम किसी को बैन करोगे क्या? और जो तुम्हारे हैक्स वाले पॉइंट हैं वो सबको पता है, वो तुम्हारा बहाना था बैन करने का, क्योंकि भाई अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैंने पूरी फुटेज दिखा दी अपनी पीवीपी की, ये अगर तुम्हें ये हैक लग रहे हैं तो अपने मतलब दिमाग को थोड़ा Amogus.